ट्रेनों में यात्रियों की सुरक्षित यात्रा के लिए राजकीय रेलवे पुलिस लगातार प्रयासरत है। अभी कुछ दिनों पहले जहां जीआरपी ने जहर खुरानों के पोस्टर जारी किए थे, वहीं जीआरपी अब यात्रियों के लिए टोल फ्री नंबर और व्हाट्सएप नंबर जारी किया है। गोरखपुर रेलवे स्टेशन स्थित जीआरपी थाना पर जीआरपी के क्षेत्राधिकारी श्री प्रकाश राय और प्रभारी निरीक्षक राणा राजेश सिंह ने एक सहयोगी संस्था के साथ पोस्टर जारी किया, जिसको कई स्टेशनों पर लगाया जाएगा, जिससे यात्रियों को अगर कोई दिक्कत होती हो या जहर खुरान दिखते हो तो उन्हें इन नंबरों पर बताया जा सकता है। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए सीओ जीआरपी श्री प्रकाश राय ने बताया। निवेदन करने आए हैं, आप सावधान रहें, सतर्क रहें। यात्रा करते समय कोई व्यक्ति अगर आपको चाय, बिस्किट, पानी की बोतल, कोल्ड ड्रिंक, प्रसाद, कोई भी सामान खिलाए, आप ना खाएं। आरपीएफ की तरफ से आप सावधान रहें। 444 आप जरूर से बने। आप सभी मन से निवेदन है, जो आप कहीं से जा रहे हैं, क्वेश्चन है, आप जब ट्रेन में यात्रा करेंगे, कई लोग बाबा धाम के लिए जा रहे हैं और उसी प्रकार के कपड़े पहनने का आप जहर खुराने के शिकार हो सकते हैं। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, जब कोई व्यक्ति एक मरे हुए व्यक्ति से भी बदतर हो जाती है, उस वक्त उस व्यक्ति को पता नहीं होता वो कौन है, कहाँ से आया है। इसके अध्यक्ष हैं श्री विष्णु खेतान, भागलपुर के रहने वाले हैं। वो समाज सेवा के रूप में ये कार्य करते हैं। जितने भी जहर खुरान फोटो उनको उपलब्ध कराई गई है, उनका एक फ़ोटो बनाकर बड़े बड़े बैनरों पर कम से कम 100-150 पीस गोरखपुरम भाग को दिए हैं कि विभिन्न थानों पर इसको चिपका दिया जाए, और छोटे छोटे भी दिए हैं जो ट्रेनों में लगाए जाएंगे अंदर, उसमें भी सारे फोटो हैं। और ये लोगों को सावधानी के लिए अलर्ट करने के लिए, और अगर उस तरह के कोई फोटो वाला व्यक्ति उनके आसपास हो तो उसकी सूचना भी दें, क्योंकि सातिर जहर खुरान है और ये ऐसा एक अपराध है जिससे यात्री बिल्कुल बेहाल हो जाता है, ट्रेन में मरणासन्न हो जाता है। तो इसी जागरूकता के लिए ये सब कार्यक्रम किया जा रहा है।